आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। चिकन में मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, खड़ा मसाला बनाऊँगी। देखिए चिकन है जिसे मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, और इसके लिए मैं क्या क्या लेंगी, प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन छिला हुआ, और लाल मिर्च साबुत, दो बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, गोल मिर्च और प्याज लहसुन, और चिकन मसाला डालूंगी दो चम्मच। और कढ़ाई में चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए तेल। हो चुका है मेरा गर्म। अब इसमें मैं डालूंगी पहले जीरा। पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा। अब इसमें डालूंगी मिर्च, लाल मिर्च, फिर डालूंगी तेजपत्ता। अब सारा ये इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, सारा सब कुछ डाल दूंगी। एक ही साथ लहसुन भी डालूंगी। हल्का चटक जाएगा तो डालूंगी प्याज, प्याज भी साथ में। अब इसको कम आंच पे धीमे धीमे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन में मैंने डाल दिया है नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए, और हल्दी, इसको मिला के छोड़ दूंगी जब तक प्याज मेरा भुनाया नहीं। प्याज भुना जाएगा तब डालूंगी इसमें चिकन। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। इतना फ्राई हो जाए तो डालना है चिकन। अब कम आंच पे इसे ढक के मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देती हूँ। कम आंच पे इसे फ्राई करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टेस्टी यम्मी बनेगा। देखिए मेरा करीब करीब सारा प्याज भुना गया है, सारा प्याज मेल्ट हो गया है। देख लीजिए थोड़ा सा और भूनूंगी, कम आंच पे तब से भून रही थी, उसके बाद मैं उसमें पानी डालूंगी। ये अब मेरा भुना गया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और इसे खौल जाएगा तो आंच कम करके पकने दूंगी। ये देख लीजिए मैंने पानी डाल दिया है, अब ये अच्छे से आंच भी तेज कर दिया है, गैस का फ्लेम तेज कर दिया है, खौल जाएगा तो इसे मध्यम आंच में थोड़ा देर पकाऊंगी, जिससे चिकन अच्छे से पक जाए। ये तैयार हो गया मेरा खड़ा मसाला चिकन करी, यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी।